गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर कंचन। गाइस, आज का जो वीडियो है आप लोगों की रिक्वेस्ट पे है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रही थी कि हमें पल्प पॉलिप की परेशानी है, यानी कि दांत के ऊपर जो मांस आ जाता है उसकी प्रॉब्लम है, तो क्या ट्रीटमेंट हमें लेना चाहिए। इस पे ऑलरेडी एक वीडियो जा चुका है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो गाइस, आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं कि अगर आपके टूथ का कंडीशन कुछ ऐसा है, यानी कि जो दांत है उसके अंदर से मांस आ चुका है, तो इसमें जो इलाज होता है दांत के कंडीशन पे डिपेंड करता है। यानी कि आपका जो दांत है अगर वो हिल रहा है, उसके जो मसूड़े हैं वो दांत को छोड़ चुके हैं, दांत का जो स्ट्रेंथ है वो जा चुका है, तो वैसे कंडीशन में जो दांत है उसको निकाल दिया जाता है। आज जो ट्रीटमेंट है लाइव मैं आपको पेशेंट पे दिखाने वाली हूँ। एंड जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट होता है वो होता है कि अगर आपका दांत मजबूत है, फॉर्म है, दांतों की पकड़ जो है मसूड़े से अच्छी है, तो वैसे कंडीशन में दांत को निकालते नहीं है, जो मांस आ जाता है, जो पल्प होता है, उसे पहले कट करके ऑपरेट करके निकाल देते हैं। एंड देन उसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर दी जाती है, इससे हमारा जो दांत है वो बच जाता है। एंड ये ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा होता है एंड सक्सेसफुल भी होता है। पेशेंट पे इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। आज का जो केस है इनमें भी पल्प पॉलिप की परेशानी थी, बट गाइस इस पेशेंट का जो दांत है वो फॉर्म नहीं था, यानी कि दांत में मोबिलिटी आ चुकी थी, दांत का कंडीशन नहीं था कि उसे बचाया जा सके, तो सो इनको एक्सट्रैक्शन एडवाइस किया गया है, यानी कि दांत को निकालने का एडवाइस किया गया है। चलिए फिर वीडियो को देख लेते हैं। देख पा रहे हैं कि जो पल्प पॉलिप है उसे कट करके रिमूव कर दिया जाता है, एंड देन जो एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर है उसे आगे किया जाता है। अब यहाँ देख पा रहे रिमूव किया हुआ जो हमारा पल्प पॉलिप था वो, उसके साथ में गाइस जो दांत थे वो काफ़ी ही ज़्यादा डिग्रेड हो चुका था, सड़ चुका था, एंड उसके साथ जो इन्फेक्शन था यानी कि ग्रैनुलेशन टिश्यू, वो सारी चीज़ों को अच्छे से क्लीन की गई हैं। अगर ये ग्रैनुलेशन टिश्यू नीचे रह जाती हैं तो आगे चल के काफ़ी पेन होता है, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होता है। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर यस तो डेफिनेटली लाइक देना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को भी दबाइए, एंड गाइस अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।